Good morning, students. Today we will understand exercise of chapter 8, our clothes. Question number A, tick the correct option. जो correct option है हमें उस पर tick करना है, okay? Number 1, we get wool from. हमें wool किससे मिलता है? Cotton plant या sheep. तो किससे मिलता है? Sheep. तो हम किस पे टिक करेंगे? शेप पे. नंबर 2, वी गेट कॉटन फ्रॉम. कॉटन हमें किससे मिलती है? जूट प्लांट या कॉटन प्लांट. तो किससे मिलता है? कॉटन प्लांट. तो हम किस पे टिक करेंगे? कॉटन प्लांट पे. नेक्स्ट है, वी गो टू स्कूल इन आवर. हम स्कूल में कैसे जाते हैं? फैंसी ड्रेस में या यूनिफॉर्म. तो किस में जाते हैं? यूनिफॉर्म में. तो हम किस पे टिक करेंगे? यूनिफॉर्म. ओके. क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, वी वियर डैश क्लोथ्स इन विंटर. विंटर में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं हम? वूलन या कॉटन. तो कौन से पहनते हैं? वूलन. तो वूलन पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वूलन, WOOLEN, वूलन. नंबर 2, वी वियर क्लोथ्स टू डैश आवर बॉडी. क्लोथ्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं? कवर करते हैं या ओपन करते हैं? तो क्या करते हैं? कवर, ढकते हैं ना. तो हम इस पर कवर पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे COVER, कवर. नंबर 3, वी वियर डैश क्लोथ्स इन समर. समर में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं हम? कॉटन या वूलन. तो कैसे पहनते हैं? कॉटन, COTTON, कॉटन. नंबर 4, वूलन क्लोथ्स कीप अस डैश. तो वूलन क्लोथ हमें कैसे रखते हैं? वार्म या कोल्ड? कैसे रखते हैं? वार्म, WARM, ठीक है, WARM, वार्म रखते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, कलर द पिक्चर्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, इन पिक्चर्स में आपको क्या करना है? कलर करने हैं. ओके.